ताइपेई के एक सबसे ट्रेडिशनल इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान है हमारे प्रेम जी। प्रेम जी 38 साल से ताइपेई में ताइवान में रह रहे हैं, भारतीय हैं, एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है। लेकिन पहले बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो हमारे लिए आज का दिन अपना हमें देने के लिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल मेरे भाइयों फ्रॉम ताइपे। भले मैं इंडिया से दूर रहता हूँ लेकिन मैंने अपने इंडियन ट्रेडिशन नहीं छोड़ा है। मैं ताइपे में रहता हूँ लेकिन हमेशा इंडिया से जुड़ा रहता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे बताइए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे दोस्त नितिन के साथ कि मैं एक छोटा सा ताइपे ताइवान का एक हिस्सा आपको बताने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया। आइए प्रेम जी के साथ हम चलेंगे ताइपे के सबसे ट्रेडिशनल इलाके की एक यात्रा पर। उसके पहले आपको दिखाएं ताइवान की जो पहचान रही थी दुनिया में, वो देखिए। ये 101 बिल्डिंग है, ये वो 101 बिल्डिंग है जो सबसे मशहूर बिल्डिंग थी एक ज़माने में, दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग थी कई दशकों तक। उसके बाद से कुछ और बिल्डिंग्स आई। अभी जाहिर सी बात है ताइवान जो है आप खबरों में देख रहे हैं चीन की वजह से, चीन और ताइवान में जो तल्खियाँ हैं, जो टेंशन हैं, वो बढ़े हुए हैं, लेकिन वो एक अलग फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि आखिर ताइवान क्या है, ताइवान की ज़िंदगी क्या है। तो आइए सबसे पहले इस बड़ी ट्रेडिशनल सी मार्केट में चल के आपको दिखाते हैं कि ताइवान की ज़िंदगी क्या है। तो प्रेम जी ये बताइए कि ये बाज़ार कितनी पुरानी होगी और यहाँ क्या क्या होता है। नितिन, ये बाज़ार मेरे ख्याल से 40-50 साल पुरानी, शायद उससे भी लंबी हो सकती है। इसे कहते हैं मॉर्निंग मार्केट, यानी सुबह की मार्केट। इवन तो ताइपे में सारे बड़े बड़े मार्ट्स हैं जहाँ पे सब आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और भी चीज़ें मिलती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की लेडीज़ को आज भी वही शौक है कि पुराने तरीके से जाके सब्जियाँ छांटे, सब्जियाँ उठाएं, अपनी पसंद की सब्जियाँ लेके जाए। क्योंकि जब आप बड़े मार्केट में जाते हैं तो आपको एक मिनिमम क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इंडिया की तरह थोक में लीजिए और हफ्ते भर के लिए स्टॉक कर लीजिए। बिल्कुल, या हो सकता है आप सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम भी ले सकते हैं। ये बताइए क्या चीज़ है सर, ये बड़ी ये चीज़ है यहाँ का बहुत फेमस है। इसको बोलते हैं बैम्बू शूट। बैम्बू शूट आपके इंडिया में भी मिलता है, यूजुअली काफी मिलता है। जी जी हाँ, इसके सूप बनते हैं, इसकी कुछ सब्जियाँ बनती है, इसके सैलेड्स बनते हैं। जी, और ये सर ये इस काउंटर पर जो है कुछ महिलाएं बहुत तेजी में कुछ खरीद रही है, क्या चीज़ है वो? फिश लग रही है ये कुछ रेडीमेड फिश है। रेडीमेड फिश है जी। अच्छा। जी, और ये सी फूड है? ये सी फूड है। अच्छा, इसको नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, लंच में, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। जी जी जी। तो अच्छा, देखिए यहाँ पे पैसों की भी बरसात हो रही है। जी जी, सॉरी। तो ताइवान कहा कि यहाँ पैसों की बरसात हो रही है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने हमारे साथ ऑडियंस भारत में और दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। ताइवान की इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो कहते हैं दुनिया में 22वें नंबर पर है। बहुत गजब का जीडीपी है, बहुत अच्छा टर्नओवर है। पैसों की बरसात की आपने बात की, क्यों है ये? ये इसलिए कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं जी, और ताइवान कभी किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं करता। दे आर सेल्फ मेड, सेल्फ सफिशियंट, और जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो कोशिश करके खुद ही बना लेते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से उनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, और अच्छा, सबसे अच्छे कि लोग यहाँ के बहुत मेहनती हैं। हम लोग मौजूद हैं ताइवान की राजधानी ताइपेई में। जाहिर है ताइवान और चीन के बीच में जो टेंशन चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उसमें रोज़ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। जब से नैन्सी पेलोसी यहाँ पर आई थी, US की जो स्पीकर थी, उसके बाद से अमेरिकन सेनेटर्स का दल आया, अब जापानीज़ डिप्लोमैट्स यहाँ पर। एक बात बताएं, खाने के अलावा भी हम बात करेंगे, एक थोड़ा सा आइडिया दें, सेंस दें कि जो ये चाइना के साथ टेंशन की बात होती है, जो दुनिया में परसेप्शन है, उसको यहाँ पर कैसे देखते हैं लोग? यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, ऐसी कोई बात नहीं है जी। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है जी, हम एज ए सिविलियंस अपना काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एकदम शांति है, कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल लाइफ चल रही है। आप पूरे पुलिस इसमें देखिए तो एक भी पुलिस वाला आपको नजर नहीं आएगा। आप ये जरा देखिए, बिल्कुल दिखाएं क्या ये चावल कैसा है, गीला चावल है? हाँ, इसको बोलते हैं डीप फ्राइड राइस, चिपके हुए राइस होते हैं, स्टिकी राइस जिसको बोलते हैं। और ये है नूडल्स, क्लियर, इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर नूडल्स। क्या सर ये नूडल्स मैं खा नहीं पाता हूँ? अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग जो है वो इंडियन चाइनीज खाने के आदि हो गए। बिल्कुल आपके तो ढाबे पे भी मिलते हैं। और ये यहाँ की जो स्पेशलिटी अलग अलग, इसको बोलते हैं हम लोग पिकल्स। ये पिकल्स है अलग अलग जी। तो ये क्या चीज हुई सर? ये जैसे मूली हो गई, अच्छा, या आपके बैम्बू जैसे आपने देखा, ये तो मशरूम लग रहा है, ये नहीं, टोफू। अच्छा, टोफू है ये, या कुकुम्बर है,
तो इनको जरा, हाँ इनको जरा थोड़ा तीखा बना के पिकल्स की तरह खाया जाता है। और ये सारा, एक चीज बताएं कि ये सारा खाना जो है ये मूलतः चाइनीज है, राइट? यस, इट्स अ चाइनीज। तो मतलब चाइना तो मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन चाइना में भी इसी तरह का खाना सब कुछ बगल में है, पड़ोस में है। वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। जैसे आप इंडिया के, इंडिया में भी चले जाएं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में काफी सिमिलर थी ये खाना। खैर वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन आज अगर मुंबई में हो तो जब दिल्ली में जाओगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, दिल्ली में जाओगे तो कलकत्ते की चीज नहीं मिलेगी। जी जी जी। ये है वन ऑफ द ताइवान्स मोस्ट स्पेशल, और चाइनीज इसको बोलते हैं मंथो। मंथो जी। अच्छा। ये मैदे का बना होता है और इसके अंदर अलग अलग तरीके के मीट्स भी होते हैं। अच्छा। या प्लेन भी होते हैं। तो मतलब एक तरह से बन, बन टाइप एक का बन है। टाइप हो गया, बन टाइप है, और इसको पका के फिर आप खा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप रेडी टू ईट है। अच्छा, ये ऑलरेडी बेक हो चुके हैं। ये ऑलरेडी बेक किया जा चुका है। अच्छा। और अब आप, मैं तो दिखाता हूँ एक फेवरेट चिकन, यहाँ के लोगों को चिकन बहुत पसंद है। हेलो। और ये ट्रेडिशनल है उनका चिकन। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या, कि ताइवान के बारे में, ताइवान के फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, जो अभी जो हालात हैं, जिस तरह से चाइना के साथ चल रहा है, कोई राय है क्या आप? छिमिशा वोमन से छोंग इन टू पीबीसी लाए थे था शांग या वन निया नी चुए थे ताइवान का संघ हो छिंसा से चमिया शिना为了那个中国大陆啊有这个一点点问题你会担心吗还是还好哎，我觉得还好，只是这个政府有没有会让我们觉得说很无助，台湾政府让我们觉得很无助。 OK， इनका कहना क्या है, personally she feels it's okay。 अच्छा। और ये government का काम है, थोड़ा उनको करने दो, government को थोड़ा और मजबूत होना चाहिए, थोड़ा और मतलब उसको कुछ मजबूत होना चाहिए थोड़ा। जी, मतलब अपनी जगह पे खड़े रहे, डट के खड़े रहे। मतलब एक चीज बताएं सर, क्योंकि आप तो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कि आप तो इतने लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। जी। 38 साल में ताइवान में काफी चेंजेस भी आए हैं। बिल्कुल। किस तरह के चेंजेस आपने ताइवान में देखे हैं पिछले 38 साल में, जो अच्छे के लिए हुए हैं या बुरे के लिए हुए? सर बुरे के लिए तो मैं कोई हार्डली एक या दो चीज बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे कोई बुराई नहीं है तो मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छाई बहुत हुई है और ताइवान की तरक्की के लिए हुई है। और अगर आप बोलते हैं जो बड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल ऐसा है कि जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, आप उसकी प्रोग्रेस देखते हैं। जब मैं ताइवान में आया था, ऐसी कोई 101 या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, सब एकदम फ्लैट होते थे। कैसा था ताइवान बताएं? सर बहुत ही अलग था। यहाँ पे रेलवे जो थी, ट्रेन, उस टाइम में न फास्ट ट्रेन थी, न हाई स्पीड थी, न मेट्रो थी, न कोई अच्छे ट्रांसपोर्टेशन थे। इवन जो ट्रेन भी चलती थी वो मेन रोड के रास्ते उसके ब्लॉक किए जाते थे तब ट्रेन। आज की तारीख में वो सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, बिकॉज बिकॉज नंबर ऑफ व्हीकल्स, टू व्हील्स, आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे दो व्हील्स पे ज़्यादा चल रहे हैं, बिकॉज इट्स मोर कन्वीनियंट पार्किंग का, इसका उसका एंड ऑल थिंग। तो सर बहुत कुछ हुआ है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। कभी हमारे पास डिटेल में टाइम मिलेगा तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैंने अपने 38 साल के करियर में क्या क्या चीज़ें अपनी आंखों के ऊपर उठते हुए देखी हैं। हेलो, ही इज माय फ्रेंड लवान चीता वो वहाँ आपकी शॉप है। हेलो हेलो हेलो, नी हाँ था मत बीबीसी इन टू लाइट। हेलो बीबीसी, बीबीसी नी हाँ, हाउ आर यू? हे क्या सर, टेल मी What is your view about? मैं कौन सी वो पांगी फाइन? इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इंडिया को जानते हैं क्या? नी चिता इंटू चा नाली मा। चिता। Okay, he knows India now. जानते हैं इंडिया को, जानते हैं कैसे? क्या इनके इनके ज़हन में, इनके दिमाग में इंडिया की क्या इमेज है? रंगे रंगे नी लाई चांग द हाँ नी चुए द इंटू से चमिया द एक कोचा। तो ताइवान रंग द हाँ से चमिया। या चांग चमिया जो से ता हुई से एक人文很丰富的一个国家，人多，对，然后他们的那个生产能力也都不错，然后人民也算是刻苦耐劳，对。Okay, he thinks India is one of the greatest country. 我觉得 India 是很很很。而，很大，全世界的大 population 呢，他们有。而 people of India are very warm and welcoming kind of people. 对对。तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है, और सबके साथ दोस्ती बनती है। इनको इनको इस बात का इल्म है, इसको इस बात का idea है।